इस वक्त मैं आपको सिद्दी का बलाना इलाका दिखा रहा हूँ। आप देखें मेरे पीछे कितने बच्चे हैं, इस वक्त एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और आज बहुत सारे यहाँ पे पिकनिक पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना यहाँ पे बच्चे हैं, नौजवान हैं, और किस तरीके से यहाँ पे वो एंजॉयमेंट करने के लिए आए हुए हैं। अगरचे किश्तवाड़ से सफ़र शुरू होता है तो हर कोई सोचता है ये काफ़ी दूर है, लेकिन दूर तो नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे बैठने के लिए उतनी जगह भी नहीं है। अगर सरकार चाहती, किश्तवाड़ ज़िला इंतज़ामिया चाहती तो यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा सा इंतज़ाम करती, ताकि हर कोई यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होता, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बच्चों को पानी चाहिए, टूरिस्ट को पानी चाहिए खेलने कूदने के लिए। जिस तरीके से हम दिखाने की बार बार कोशिश करते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कमी नहीं है, टूरिस्ट खूबसूरत की कमी नहीं है। ओवरऑल अगर हम किश्तवाड़ ज़िला की बात करें, किश्तवाड़ ज़िला जो हमारा है पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गजपथरी के बाद जो किश्तवाड़ ज़िला है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पोटेंशियल एरिया है। जैसे मड़वा वर्वन के इस वक्त हज़ारों टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़िला इंतज़ामिया इन जगहों तक पहुँचे जहाँ पर यह हम दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हर कोई डेस्टिनेशन दिखाने की कोशिश करते हैं कि खूबसूरत इलाकों को दिखाना, ताकि किश्तवाड़ ज़िला इंतज़ामिया, किश्तवाड़ टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो इन जगहों को प्रमोट करें, इन जगहों की डेवलपमेंट करें, ताकि यहाँ पर हर कोई जो है देखने के लिए आए। यहाँ पे नहाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत, आपका नाम? मेरा नाम बशीर है। बशीर साहब, आप क्या बताएंगे, ये बलाना जो है इसमें क्या कमी दिख रही है और क्या खूबसूरती यहाँ की, यहाँ बताएं। यहाँ की खूबसूरती यही है, इधर पानी अच्छा है। अच्छा। हम यहाँ पीने के लिए भी है, नहाने के लिए भी अच्छा पानी है। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए जिससे यहाँ की खूबसूरती डेवलपमेंट हो जाए? इस हिसाब को क्या कहना चाहेंगे, जहाँ बैठने के लिए क्या इंतजाम हो गया क्या? क्या बताना चाहेंगे आप इस हिसाब? मैं आप इस हिसाब से ये बोलना चाहता हूँ कि हमें यहाँ कुर्सियाँ सुर्खियाँ बैठने के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए। बिल्कुल, अगर क्रिकेट ग्राउंड हो सकता है वो भी हमें चाहिए यहाँ के लिए। और जो जरूरत है, बहुत लोग आते हैं यहाँ से टूरिस्ट के लिए। आज गर्मी का सीज़न है, गर्मी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, तो आज एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी है। तो कैसा दिख रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ खूबसूरत इलाका है, यहाँ बड़ा मज़ा आता है नहाने में भी और देखने में भी, बहुत लोग आते हैं यहाँ।